आप जो है कोई भी एनिमेशन लगा सकते हो उसके अंदर। चलो हम डेमो करके आपको दिखाते हैं कौन कौन से एनिमेशन आपको मिलते हैं व्यू के S1 डिवाइस के अंदर एंड आप उसे कैसे अपने फोन के अंदर अप्लाई करेंगे। सो ये सब आपको फोन सेटिंग के अंदर ही मिल जाता है इजिली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इस सेटिंग्स का यूज करके अपने फोन के अंदर एनिमेशंस लगा सकते हैं। चलो हम डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं कहां से आप इसे ऑन करेंगे। सो गाइस, जैसा कि यहां पर हमारा डिवाइस है, इसके अंदर आपको फोन सेटिंग को ओपन करना है और फोन सेटिंग के अंदर से ही हम इस एनिमेशंस को यूज करेंगे। सेटिंग्स को जस्ट हमने क्लिक करा, अब गाइस हमारे पास यहां नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और एक ऑप्शन मिलेगा डायनेमिक इफेक्ट्स का। मेरा वीओ का S1 ही है तो ये दिक्कत नहीं आएगी आपको इस ऑप्शन को ढूंढने में, आपको आसानी हो जाएगा कि आपको ये एक्चुअली सेटिंग्स मिलता है। तो आपको जस्ट क्लिक करना है डायनेमिक इफेक्ट वाले पे, आपको यहाँ पर काफी ऑप्शंस मिलेंगे गाइस। आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है, फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन वाला, इसको आप क्लिक करेंगे एंड गाइस यहाँ पर इतने सारे आइकन्स मिलते हैं जो आप लगा सकते हो अपने फोन के अंदर। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको ये की वाला सेंसर है, ये बाय डिफॉल्ट यही आता है आई थिंक, तो इसको आप यूज करते हैं। अगर आप इसको यूज करने के अलावा इसको यूज करना चाहें कर सकते हो, इसको भी कर सकते हैं एंड गाइस यहाँ और भी है, इन सभी में से किसी को भी आप यूज आउट कर सकते हैं इजिली। और इसके अलावा भी आपको मिलते हैं एनिमेशन, ये रिकॉग्नाइजेशन का एनिमेशन होता है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, फिंगरप्रिंट के देख सकते हो रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन है, आप इस तरीके का भी लगा सकते हो, नन कर दोगे ये नहीं शो करेगा। अगर आप चाहें तो इसको भी इजिली यहां से अप्लाई कर सकते हो। ये इसमें ऑलमोस्ट आपको 10 के आसपास जो है मिल जाता है एनिमेशन। मैं किसी को चूज करके आपको दिखाता हूं किस तरह से एनिमेशन शो होते हैं। सबसे पहले वाले क्लिक करेंगे एंड गाइस मैं इसको चूज करके अप्लाई कर लेता हूं। अप्लाई तो हो चुका है लेकिन हमारे फोन के अंदर फिंगरप्रिंट लगा नहीं है, तो हम इसको ऐड करेंगे यहां से। इसके बाद 4 डिजिट का हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे, तो हम कोई सा भी एक रैंडम सा कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे इसका एक्चुअल यूज आप करेंगे। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो वेरीफाई करते हैं न्यू पासवर्ड। सो यहां पर वेरीफाई हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे एंड हम इसमें लगाएंगे इन फिंगर लॉक। स्टार्ट यहां पर इनपुटिंग के क्लिक करेंगे, हमारे पास सेंसर देखो शो हो रहा है गाइस। अब हमारे पास इस तरह से सेंसर शो हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से इसमें ऐड करेंगे। तो नोट क्लियर बता रहा है तो मैं क्लियर करता हूं उसको। एक्चुअली गाइस यहां पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये जो चीजें हैं बेसिकली, हाँ अब क्लियर हो रहा है, मैं इसको लॉन्ग प्रेस कर रहा हूं तो हो रहा है। तो फिलहाल पता नहीं क्यों हमारा जो फिंगर है वो पूरी तरीके से मैच नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे हो रहा है, देखते हैं करके इसको पूरी प्रॉपर करके मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, ये किसी ना किसी तरह इसको हम करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एनिमेशन अपने होम स्क्रीन के ऊपर किस तरह से शो कर रहा है, तो देखते हैं हम करके इसको ट्राई, अगेन ट्राई करते हैं। एक्चुअली इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ रहा है गाइस, इसमें मैंने ट्राई करा इसको जब से कर रहा हूँ, इसमें हमने इसको लॉन्ग जब तक प्रेस नहीं कर रहा हूँ तो ये चीजें वर्क नहीं कर रही है, तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ तब जाके ये जो वर्क कर रहा है एक्चुअली। तो मे भी शायद हो सकता है इसमें ऐसे ही सेटिंग्स हो, मैंने कभी इसको ट्राई नहीं करा, तो फिलहाल अभी के लिए मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये एनिमेशन एक्चुअली शो होते कि नहीं, क्योंकि ये काफी बार मैंने इसको करा लेकिन यहाँ पर ये चीजें प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। एक्चुअली गाइस ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए इस सेंसर को लगाना, नोट क्लियर बता रहा है बार बार, मे बी शायद हमारे फोन के अंदर हमारे हाथ के अंदर ऑयल लगा हुआ है इसलिए ये शायद पॉसिबल नहीं है। तो अभी देख सकते हो कंटिन्यू करेंगे, मैं दोबारा से इसमें एंटर करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है लग जाए, देखते हैं लेट अस सी ये लग पाता है या नहीं, काफी मुश्किल हो रहा है इसको यूज करना, आई थिंक अब हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट बचा हो जा, मैं एक बार फिर से इसको ट्राई करता हूँ गाइस, ये लास्ट बचा मे भी शायद ये हो चुका कंप्लीट, देन ओके करेंगे हम इसके बाद। अब हम देखते हैं हमारा जो सेंसर है किस तरीके से शो कर रहा है, इसको हम कट कर देंगे। अब हमने पावर को ऑफ करता हूँ और यहाँ पर देख लो मिलता है देखने को वही एनिमेशन
जो हमने वहां पर लगाया था एक्चुअली, जिसको हम इस तरह से करेंगे और ये हमारा फोन इजिली अनलॉक हो जाएगा। तो आप जाके इसका ट्राई करो, एनिमेशन काफी अच्छे हैं जिसमें आपको काफी सारे एनिमेशन मिलते हैं, जाकर ट्राई करो, मुझे बताना कॉमेंट करके कि आपको ये जो एनिमेशन है कैसे लगे, और ये भी बता देना कि आपका भी फिंगर जो है इतने टाइम में ऐड होता है या फिर मेरा ही ऐड हुआ, वो कमेंट कर देना नीचे या फिर इंस्टाग्राम पर भी हमें बता सकते हो। फिलहाल बस गाइस ये थी आज की वीडियो, होपफुली सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, फिर भी कोई कंफ्यूजिंग हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।